अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनचाहा न्यूज। भारत में इन दिनों लॉकडाउन जारी है और फिलहाल सभी खिलाड़ी अपने घरों में ही हैं। बताते चलूं कि हिटमैन रोहित शर्मा ने इससे पहले युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत करी थी और अब एक बार फिर मंगलवार को रोहित शर्मा ने अपने पुराने साथी युवराज के साथ में बातचीत करी है। इस दौरान पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने कहा है कि मौजूदा भारतीय टीम में तीनों प्रारूप में खेलने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा को छोड़कर ज़्यादा कोई रोल मॉडल नहीं है। जी हां, हम ये कह सकते हैं कि और अन्य खिलाड़ियों के फॉर्म अभी सही नहीं चल रहे हैं और उन सभी को थोड़े और मेहनत करने पड़ेंगे इस जगह पे खुद को लाने के लिए। साथ ही उन्होंने एक और बात कही है, जैसे सीनियर्स का अब युवा खिलाड़ी ज़्यादा सम्मान नहीं करते। युवराज ने ये बातें रोहित शर्मा से इंस्टाग्राम लाइव पे कही। युवराज से मौजूदा टीम और उनसे टीम बातों के दौरान टीम के अंतर के बारे में पूछा गया था। रोहित ने जब फिर युवराज सिंह से पूछा कि T20 वर्ल्ड कप 2007 और वनडे वर्ल्ड कप जब मैं या तुम टीम में आए थे तो हमारे सीनियर्स काफ़ी अनुशासित थे, तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था और ध्यान नहीं भटकता था, तो सभी को आचरण का खास ख्याल रखना पड़ता था। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अब अनुशासन में थोड़ी अंतर देखी जा रही है। I felt कि जब तुम लोग भी टीम में आया या तुम्हारी जनरेशन से पहले मैं जब टीम में आया, तुम्हारे सीनियर्स वर वेरी डिसिप्लिन्ड और ऑब्वियसली उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी। बिल्कुल, देयर वाज अ सर्टेन बिहेवियर दैट वी बॉयज हैड टू कैरी वॉचिंग आवर सीनियर्स, हाउ दे प्ले, हाउ दे वर्क हार्ड एंड हाउ दे एक्चुअली टॉक टू पीपल, हाउ दे टॉक टू मीडिया। Correct. Because they are great ambassadors, they are ambassadors of India. But I feel ke ye jo teesri generation hai na, isme I feel seniors sirf you and Virat Kohli are there mostly, who are playing three formats. The rest of the guys are coming in, going ye wo. So I just feel since social media has come, I just feel that there are very less guys to look up to. And I feel that the sense of respect towards seniors to say something or that respect of, you know, how these players have become great. Like, there's a, this become a thin line now.